द्वारका एक्सप्रेसवे की 4 सेक्टर रोड्स को रीवैम करने का काम बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। जी हाँ, जैसा आपको पता होगा, सीपीसी की मीटिंग हुई थी जून के अंदर, उसमें 5 रोड ऐसी थी जिन पे रीवैम करने का काम अप्रूव किया गया था, लेकिन अब 4 रोड पे काम हो रहा है। आखिर क्यों 4 पे हो रहा है, 5वें पे क्यों नहीं हो रहा, आज मैं ये भी आपको बताऊंगा। और कौन कौन सी वो 4 रोड हैं इन पे काम हो रहा है, ये मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ में उनका करंट स्टेटस भी दिखाऊंगा कि आखिर क्यों लोग परेशान हैं और क्या एक्चुअल स्थिति है। क्या आपने वहाँ प्रॉपर्टी ली हुई है तो आप उसको एग्जैक्ट कोरिलेट कर पाएंगे, और अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं ली है तो आप एग्जैक्ट वहाँ का स्टेटस आज समझ पाएंगे। साथ में गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है वहाँ पे, वो भी आपको बताऊंगा। टेंडरिंग प्रोसेस क्या है और क्यों गवर्नमेंट एक रोड को नहीं बना रही है, वो भी आपको बताऊंगा। और हर रोड को बनाने का क्या एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है गवर्नमेंट को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी मैं आज आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। अगर आपने इन्वेस्ट किया है या करने जा रहे हैं, तो दोनों पर्पस से ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आखिर क्या इंफ्रा है, ये आप देख के ज़रूर समझ लें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा, और साथ में फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में अपने किसी भी जानकार के पास अगर द्वारका एक्सप्रेसवे प्रॉपर्टी है तो उसको भी ये शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन तक अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची है तो उन तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए, जिससे वो भी हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें, एक इन्फॉर्म इन्वेस्टर बन के रहें। चलिए इसको शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सीपीसी की मीटिंग में 5 रोड को अप्रूव किया गया था, लेकिन उसमें से 4 रोड के ऊपर काम करने की बात कही जा रही है, और अभी स्टेटस क्या है उसको पहले वो समझते हैं। देखिए, ये मैक्सिमम जो रोड है वो हुड्डा, जो किसका नाम अब बदल के HSVP हो गया, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 2014 में ये रोड बनाई थी, और GMDA को, क्योंकि GMDA बाद में बना, तो GMDA को 2018 में इसे हैंडओवर कर दिया गया। जो स्ट्रेचेज हैं, जो ये रोड बनी हुई हैं, इनके अंदर आज बहुत बड़े बड़े पाथहोल्स हो गए हैं। सरफेस तो कहीं हद तक कहीं नज़र ही नहीं आता, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है, जिससे यहाँ के रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। आने जाने में स्कूल जाना है बच्चों को, सुबह सुबह बस को बहुत घूम के आना पड़ता है, या ऑफिस जाना है आपको तो आपको बहुत सारे गड्ढों में तैरते हुए जाना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी दिक्कत लोग फेस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग व्हीकल यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, क्योंकि स्पीड पे आप चल नहीं सकते, और गड्ढों में अगर आपको घुस के निकलना है तो आपके लिए अपने आप एक परेशानी का सबब बन जाता है। तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी आ रही है, आपका फ्यूल भी ज़्यादा लग रहा है, ऐसी तमाम परेशानियाँ लोग फेस कर रहे हैं। तो पहले मैं एक एक करके आपको इसकी एक्चुअल स्टेटस दिखाता हूँ कि सेक्टर 102 और 102A की जो ये सेक्टर रोड है, इसका एक्चुअल स्टेटस क्या है। ये आप स्क्रीन पे अभी इस रोड का एक्चुअल स्टेटस देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ पूरा जो सेक्टर रोड है, करीब 2 किलोमीटर की ये रोड है, तो इसका पूरा आप स्टेटस देखें। ये देख रहे हैं आप कि किस तरह की कंडीशन है आज रोड की। दूसरी रोड है सेक्टर रोड जिस पे काम होना था, वो है 102A और 103। इसका भी आप एक्चुअल स्टेटस देखें, अभी आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं स्टेटस उसका, साथ में चल रहा है। आप लोग रोज इस परेशानी से जूझते हैं, तो मैं आज आपको पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपको उसका फील फिर से दूं मैं आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट रोड है जिसका मैं आपको स्टेटस दिखाना चाहता हूँ, वो 103 और 106 का सेक्टर रोड, मतलब जो डिवाइडर है, वो रोड मैं आपको दिखाता हूँ। ये एग्जैक्ट इसका करंट स्टेटस है, आज आप वीडियो देख रहे हैं, और इसका एज ऑन डेट जो करंट स्टेटस है वो भी आप देख रहे हैं।
अब बारी आती है 106 और 109 की। यहाँ करीब करीब आबादी बस चुकी है, लेकिन स्टेटस आज भी लोगों को गड्ढों में से तैर के यहाँ निकलना पड़ता है। प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं, लॉन्चेस बहुत सारे आ रहे हैं, प्राइस आसमान छू रहे हैं, नए लॉन्चेस एक अलग ही नए रेट पर आ रहे हैं, मतलब प्राइस आकाश को छूने के मकाम नए नए छू रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश में है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस लेके यहाँ पे आया जाए, और बायर्स भी उसी रन के अंदर उस प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं। लेकिन रोड इंफ्रा, बहुत सारे लोग सेक्टर 109 में रह भी रहे हैं, ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जैसे चिंटल्स की सोसाइटी है, ATS है, इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ रहीजा है, ब्रिस्क लुम्बनी है, कई तमाम प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, और भी शायद मैं नाम लेना भूल गया हूँ, जिसमें SBTL है, एक अफोर्डेबल OS भी बन रहा है, जिसमें अभी थोड़ा सा कई बायर इश्यूज फेस भी कर रहे हैं। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उसके बाद भी सेक्टर रोड पूरी तरह नहीं बनी है। तो इसका एक्चुअल स्टेटस आप देख पा रहे हैं। अब आपने एक्चुअल स्टेटस तो देख लिया, अब बात करते हैं कि आखिर अथॉरिटी क्या प्लान कर रही है। जी हाँ, अथॉरिटी ने प्लान किया है कि रिकंस्ट्रक्ट किया जाए जो एग्जिस्टिंग रोड है, इसे 6-लेन मेन कैरेज में बनाया जाए, साथ में फुटपाथ और ड्रेनेज नेटवर्क भी तैयार किया जाए, और साथ में कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लिप रोड या सेंटर वर्ज रोड सेफ्टी, ये सब चीज़ों का अब ध्यान रखा जाए। साथ में ऐसे कोई जंक्शंस अगर बीच में आ रहे हैं तो इनको भी रिवैम्प किया जाए। लेकिन इसके लिए अथॉरिटी कैसे करेगी? इसके लिए आम सीधी सी बात है, टेंडर प्रोसेस। जी हाँ, 2 किलोमीटर स्ट्रेच 102, 102A और 103, 106, 109, ये सेक्टर रोड्स के जो स्ट्रेंथनिंग का काम, मतलब अपग्रेडेशन का काम, इस पर वर्क कर रही है। लेकिन ये मैंने आपको बताई चार रोड्स, पांचवी रोड कौन सी थी और क्यों उस पर काम नहीं हो रहा है? पांचवी रोड थी 700 मीटर की सेक्टर 114 की सेक्टर रोड। जी हाँ, उस पर काम फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। वहाँ अथॉरिटीज़ का मानना है कि क्योंकि अभी वहाँ हैबिटेशन नहीं है और अभी ट्रैफिक का वहाँ नेग्लिजिबल इफेक्ट है, इसीलिए उसे थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा उस पर वर्क नहीं हो रहा। लेकिन क्या बायर्स ने वहाँ प्रॉपर्टी बाय नहीं की है? क्या आपने EDC IDC पे नहीं किया है? ऐसे बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं सेक्टर 114 में आए हुए हैं और अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पोजीशन तो डेवलपर ने ऑफर कर दिया, लेकिन वहाँ रोड अभी भी नहीं बनी, तो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट कैसे बढ़ेंगे? ये आपके लिए हो सकता है क्योंकि आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन सरकार अभी उसे नहीं बना रही है। खैर, अथॉरिटी ने उसे, GMD ने उसे ऑलरेडी 5 रोड को अप्रूव किया हुआ है, तो थोड़े टाइमिंग के लिए होल्ड किया। ये मत सोचे कि ये नहीं बनेगी, ये बनेगी, लेकिन पहले इन चार रोड पे काम किया जा रहा है, इसी का टेंडरिंग प्रोसेस किया जा रहा है। तो सेक्टर 102 और 102A के बीच में जो रोड है उसका एसेट ID है 129 और उसकी टोटल कॉस्ट, मास्टर सेक्टर रोड जो है उसकी जो टोटल कॉस्ट है 1209.18 लाख, ये इसकी टोटल कॉस्ट है। अगर मैं चारों रोड की बात करूं तो 53.5 करोड़ है, लेकिन मैं अभी आपको एक एक रोड के बारे में बता रहा हूं। जी हाँ, दूसरी रोड जिसकी एसेट आईडी 130 है और ये 102A और 103 सेक्टर के बीच जो डिवाइडिंग रोड होती है वो है, ये 1276.72 लाख है इसकी टोटल टेंडरिंग कॉस्ट, मतलब जो टेंडर के अंदर इसकी इसका प्राइस रखा गया है। अब बात करते हैं अगली रोड की। जी हाँ, इसकी एसेट आईडी 103 और 106 का जो सेक्टर रोड है, इसकी एसेट आईडी 143 है, इसकी टोटल कॉस्ट जो बनने में आ रही है 1398.30 लाख, और अगली प्रॉपर्टी 132 जो इसकी एसेट आईडी 132 है, 106/109, मतलब ये दोनों के सेक्टर रोड है और इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 1469.86 लाख, और इसका टोटल कंप्लीशन का टाइम, जब कंप्लीशन की बात कर रहा हूँ तो पहले टेंडर में कितना टाइम मिला है वो समझ लेते हैं। टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर जो टाइम है 6/9/2023 को उसका टेंडर ओपन हुआ है और 29/9/2023 को ये क्लोज होना है, मतलब टेंडरिंग प्रोसेस 2 महीने के आसपास आप मान लीजिए, और उसके बाद एज पर GMD अथॉरिटी की 9 महीने का टाइम और लगेगा जो कि एज पर टेंडर दिया जा रहा है। तो ये 9 महीने और 9+2 11 मंथ्स का टाइम मान लीजिए एज पर अथॉरिटी ये कम्प्लीट हो जाना चाहिए और आप लोगों को उसके बाद आसानी होनी चाहिए, ट्रैवल करना आपका आसान हो जाना चाहिए। अब कौन कौन से एरिया है जिसको बेनिफिट होने वाला है,
ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। जी हाँ, ये जो रोड बनेगी, जो कनेक्टिविटी बनेगी द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर रोड्स की, इसमें 102 102 ए के आसपास के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बीपीटीपी एमस्टोरिया, एमआर गुड़गांव ग्रीन, एमआर का इंपीरियल गार्डन, अदानी का ओएस्टर ग्रैंडे, कॉन्शेंट हेरिटेज मैक्स, शाहपुरजी जॉय विले, इन प्रोजेक्ट्स को इस रोड का ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और फिर बात करें 102 ए और 103 की, तो यहाँ पे सिद्धार्था और अंसल का एक एस्टीला प्रोजेक्ट है जो इस टाइम पे फिनिशिंग के स्टेज पर है, कंस्ट्रक्शन वहाँ चल रही है, और साथ में अंसल हाईलैंड पार्क, इनका काम भी करीब करीब पूरा हो चुका है। साथ में HCBS ऑरो विले, ये अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, मायरा होम्स ये भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये अभी प्रोसेस में है, HCBS का काम अभी चल रहा है, मायरा होम का काम जैसा आपको सबको पता है कि थोड़ा सा वहाँ अभी पॉज हुआ है, और होम बायर्स अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए DTCP ऑफिस या रेरा तमाम जगहों पे चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका काम पूरी तरह शुरू नहीं हो पाया है। और उसके बाद ऑक्सरेज चिंतामणि, ये भी एक रेगुलर प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट है, काम चल रहा है इसमें। फिर सिग्नेचर का ग्रैंड आइवा, ये रेडी टू मूव है, सत्या हर्मिटेज ये रेडी टू मूव है, इनको फ़ायदा होने वाला है। और 103 106 की अगर बात करें तो यहाँ SS प्लाजा बना हुआ है, एक गोदरेज मेरिडियन का प्रोजेक्ट है, MRG 106 है, और पारस ड्यू और इंडिया बुल्स सेंट्रम पार्क, इन प्रोजेक्ट को इसका फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जो नाम मैंने नहीं लिए वो प्रोजेक्ट अभी पूरी तरह से बन भी नहीं रहे हैं, जैसे कि 103 के अंदर एडल एरा लैंडमार्क प्रोजेक्ट, पायरवुड का प्रोजेक्ट है जो पीछे 75 मीटर रोड के ऊपर पड़ रहा है, इनका नाम मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी रुके हुए हैं, पूरी तरह से इन पर काम नहीं चल रहा है। और 106 109 की बात करें तो 106 सेक्टर के प्रोजेक्ट्स के वैसे तो मैं नाम ले चुका हूँ, लेकिन 106 109 में जो प्रोजेक्ट रह गए हैं नाम लेने के लिए वो है एलान का प्रेजिडेंशियल, जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं सेक्टर 106 के अंदर, कॉन्शेंट 1, ATS कोकून, SBTL का कैलेडियम, शोभा इंटरनेशनल सिटी, इंडिया बुल्स 109, न्यू स्क्वायर यशिका 109, रहेजा थरवा, चिंटल पैराडाइज, ब्रिस्क लुमनी, चिंटल सेरेनिटी, ATS थर्मोलिन, इन सभी प्रोजेक्ट्स को सेक्टर रोड बनने का फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ये कम से कम एक वरदान साबित होगा। इस सेक्टर रोड से जो जूझना पड़ता है डेली सुबह डिशुम डिशुम रोड से होती है, उससे कहीं हद तक आपको राहत मिलने वाली है। और ओवरऑल अब तक आप ही समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ आपको बेनिफिट हो सकता है। आज ये मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट का ये टाइम है, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश है इसे टाइम बाउंड मैनर में पूरा कर लिया जाए जिसमें कोई डिले ना आए। वैसे 9 महीने का टाइम अपने आप में सफिशिएंट होता है कॉन्ट्रैक्टर को काम करने के लिए, रोड के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ उसको प्रॉपर तरीके से बनाने का काम अब शुरू हो रहा है, तो इससे इन सोसाइटीज़ को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, और इन रोड्स के बनने से मेरे को लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी ज़्यादा हो सकती है। साथ में द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी भी जैसी खुलेगी और ये रोड का काम भी साथ साथ होगा, तो ये अपने आप में इस एरिया को एक अलग फील देगा, द्वारका एक्सप्रेसवे आपको एक नया और बेहतरीन ढंग से बन के सामने आता दिखेगा। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको जानकारी कैसे लगी, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।